कपड़े गंदे कर रही हूँ मेरा बेटा। खड़ी हो जो, लाए बा, खड़ी हो जो, आज आओ देखें, अंदर देखें। अब लाइबा का नाश्ता हो गया है और लाइबा ने नाश्ता कर लिया यहाँ पे, और नाश्ता हमने चाय की है क्योंकि चाय पी है, और साथ हमने डबल रोटी खाई है। और चाय मैं सुबह बना लेती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं, तो उसके साथ मेरी चाय भी बन जाती है। फिर 9 बजे मैं और लाइबा नाश्ता कर लेते हैं। लाइबा ने ये देखिए ये दोनों चीज़ें ना यहाँ से कुर्सी रख के ना, पहले तो ये चीज़ तो यहाँ से उतारी है इसके ऊपर से, और ये अंदर से लेके आई है। आ जाओ लाइबा अंदर, ये अंदर से लेके आई है और ये इसने इसके ऊपर से उतारी है। और अभी ये इसके ऊपर उतार रही थी, पहले इसने ये देखे पाउडर पकड़ा हुआ था ये वाला, इसको पकड़ रही थी। और अभी मैंने इसको भी साफ करना है। अब हटो हटो, ये आपका, इसे आपका मुंह साफ किया ना, मैं ये साफ कर लेती। लाइबा आप बहुत चीजें इधर आना शुरू हो गई है छोने। चलो ये साफ हो गया, उसको नहीं छेड़ो, नहीं छेड़ो, खराब हो जाएगा आगे, वो खराब है, उसका शीशा भी टूटा हुआ है अंदर से। नहीं करो मेरा बेटा, नहीं करो, खराब है ये, नहीं करो मेरा बेटा, आ जाओ। हाँ टूटा हुआ है, मामा का टूट गया ना अंदर से, छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ। चले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप ये कहते होंगे कि मैं बार बार इधर आकर क्यों खड़ी हो जाती हूँ। इधर मैं इसलिए खड़ी होती हूँ कि जब मेरा कैमरा बैक साइड होता है तो ये सामने एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इधर आके खड़ी हो जाती हूँ। मोबाइल में इसलिए ऐसे कर लेती हूँ, और स्टैंड में इसलिए नीचे से नहीं पकड़ती क्योंकि ये ऊपर से मेरा ये यहाँ से ना थोड़ा ना ढीला है, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, तो मैं इसको यहाँ से करके पकड़ती हूँ ताकि ना ये मेरा मोबाइल हिले ना। और अभी मैं बस, नाश्ता हमारा हो गया था और लाइबा देखे अभी फिर ना ये पता नहीं मस्तियाँ कर रही है, तो बस अभी मैं किचन में जाऊँगी। बर्तन मेरे थोड़े से ही थे, सुबह के बच्चे जब जाते हैं तो उनके बस 3-4 मेरे कप होते हैं और 2-3 प्लेटें होती हैं, तो बस वो धुल गई हैं। और अभी बस मैं सोच रही थी आज मैं अपना चूल्हा भी साफ़ करूं किचन का, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से चूल्हा भी नहीं साफ़ किया था। और ये देखे लाइबा भी नीचे बैठ गई है और लाइबा ने ये पकड़ लिया, ये देखो, ये दिखाओ दिखाओ लाइबा दिखाओ, ये पता है ये लग जाए ना तो ये इतनी भारी है, ये वो है क्या बोलते हैं इसको, अभी के हमारे घर में कोई शलवार पहनता नहीं है नाले वाली, हस्बैंड पहनते पैंट शर्ट। लाइबा गिराना नहीं और मारना नहीं, आओ मामा काम करेंगी, आ जाओ। अच्छा आज मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये मैं बेडशीट की चादर भी चेंज करूं, क्योंकि ये बेडशीट की चादर मुझे काफ़ी एक हफ्ता ही हो गया है, बल्कि एक हफ्ता हो गया बल्कि 10 दिन ही हो गए, और मेरी ये चादर अभी तक नहीं चेंज हुई, तो मैं आज ये भी चेंज करूँगी। और उसके साथ मैं किचन में आज चूल्हा भी सफाई करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है, चूल्हे को भी नहीं मैंने साफ किया, तो चले हम अपना काम करें। तो चाय मेरी यहाँ पे थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने बोला अभी छोड़ देती हूँ, चाय मैंने अभी रखी हुई है। लाइबा फिर अंदर आ गई हो, ये देखिए वैसे तो ये ऊपर से चूल्हा रोजाना साफ होता है मेरा, लेकिन मैं आपको पता है ये जो अंदर वाली, ये देखिए मैं अभी लाइट चलाऊँ इसकी, ये देखिए ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना इसको मुझे साफ करना पड़ता है, और ये ज़रा भी गंदा हो जाए ना, और काफ़ी दिनों से ये नहीं भी हो रहा था, इधर से ऊपर से मैं कर लेती थी, यहाँ से भी हो जाता था, लेकिन वो जो एक ये देखे दाग जो पड़ जाते हैं ना ये बिल्कुल नहीं हो रहे थे। बिल्कुल आज मैं इसको पहले सफाई करूँगी, और लाइबा मुझे बिल्कुल पास खड़े होकर देख रही है मामा क्या कह रही है, इसका हाल देखे। अभी मैं इसको पहले साफ़ कर लूँ फिर हम दिखाते हैं। अच्छा वैसे तो चूल्हे मेरा साफ हो गया, इस तरह हो जाता है, लेकिन ये स्पंज मेरा काफ़ी पुराना है, अगर ये नया स्पंज होता तो उससे जल्दी मेरा साफ हो जाता था, क्योंकि हल्के हल्के जो ये ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं ये जल्दी हो जाते हैं। लाइबा नहीं तो ये मैं जल्दी से ऐसे साफ कर, वैसे तो मेरा इधर वाला चूल्हा ये वाला फिर भी साफ़ है, मेरा ज़्यादा इधर वाला इस्तेमाल होता है इस साइड वाला, क्योंकि यहाँ पे ज़रा मैं कम ही रखती हूँ, और सालन जब मेरा बन जाता है तो मैं इस साइड पे कर लेती हूँ, लेकिन ये वाला मेरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये थोड़ा गंदा हो रहा था, तो इसको मेरा साफ़ हो रहा, अब इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा मारूँगी। और मैंने ये इसलिए ले लिया कि इससे ज़रा ये काले काले हल्के जो है ना ये थोड़े, और आपको पता है ये चूल्हे जब एक दफ़ा
खराब हो जाए तो दोबारा सही भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरा खराब नहीं हुआ। काफी साल हो गए, पूरे तो 4-5 साल हो गए, ये मेरा सही चल रहा है। इसका ये फायदा है कि इसके अंदर आप माचिस नहीं, माचिस से नहीं ये जलते, ये आराम से, इसके अंदर एक बड़ा वाला सेल होता है वो नीचे डला होता है, तो वो आराम से इसको हम ऐसे करेंगे तो वो चूल्हा जल जाएगा हमारा, तो इसका यही फायदा होता है। और बाकी ये है कि इसका सेल काफ़ी देर चल जाता है, बल्कि इसके सेल को मेरे ख्याल में कुछ 4 साल हो गए हमने डाला हुआ, अभी तक ये सेल इसका ख़राब नहीं हुआ, तो मेरा वही सेल चल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है ये सेल मेरा अच्छा वाला है। लेकिन ये चूल्हा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर अब माचिस का ये है कि बच्चे, अब ये शुक्र है कि माचिस बच्चे वैसे पकड़ते तो नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता, तो इसका ये फ़ायदा है। चलो मैं जल्दी से साफ कर लूँ। अच्छा ये जो साइडों पे है ना, यहाँ पे इतनी चिकनाई हो रही थी, और इधर ना मैंने ये छुरी लेके ना उसको ज़रा छुरी से मैंने खरोच लिया, क्योंकि ये जो हम खाना बनाते हैं ना, खाना वगैरह, तो वो सारा चिकनाई ऑयल यहाँ पे भी जमी होती है, तो ये मैंने अभी ये साफ़ करके मैंने टिश्यू से साफ़ किया। तो वैसे यहाँ पे पानी गिराते हुए भी थोड़ा डर लगता है। लाइबा चीखे मार रही है। आ रही हूँ, बस हो गया काम। चलिए यहाँ पे मेरा हो गया चूल्हा, तो ज़रा सेट कर रहे हैं। चलो यहाँ पे हो गया हमारा काम, इधर रखते हैं साइड पे। और किचन वैसे ही मेरा साफ था, पहले मैंने बर्तन धो लिए, अभी ये पतीली है इसको धो लेती हूँ। जी मामा, ये देखे लाइबा का हाल लेके नीचे लेटी हुई है। लाइबा उठ जाओ, नीचे से कपड़े गंदे हो गए, आपने वैसे भी अपने कपड़े गंदे किए हुए हैं, नहीं उठना। और इसने अपने कपड़े देखे, क्या हाल किया हुआ कपड़ों का, अभी देखे इसकी मस्तियाँ, देखे क्या हो रही है, क्या करी जा रही है। और ये मामा की तस्वीर पकड़ी हुई है, और पता नहीं क्या अल्लाह कर रही है, इस तरह ही करती है ये। लैबा क्या कर रही हो, ये पढ़ रही हो, अल्लाह कर रही है, इसको भी कितना शौक है। और ये मुझे देखती है ना, जब वो टीवी पे भी देखती है, कोई नाक लगी हो, कोई तलावत या कोई अल्लाह का नाम आ रहा हो, तो ये बहुत सुनती है। और अभी ये देखे कैसे लटी हुई है पाइप के ऊपर। उठ जाओ, आ जाओ इधर, चले हम अपना किचन साफ कर। लाइबा फ्रिज को नहीं है, पाँव लगाओ। लाइबा आप जमीन पे लेटी उठ जाओ, वो तो हो गया, कपड़े आपके गंदे हो गए, ये आपने फिर कपड़े पूरे गंदे कर दिए, ऊपर से चाय से भी गंदे किए हैं ऊपर से। चलो यहाँ पे हमारा किचन भी साफ हो गया। लाइबा को देखे, लाइबा देखे यहाँ पे सारे शापर ना नीचे गिरा के बैठी हुई है। लाइबा यहाँ से शापर उठाओ, क्या मस्तियाँ हो रही हैं। हाँ पानी अभी मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो गया, अभी ये डालेंगे पानी, अभी ये ठहर के डालेंगे, अभी पापा नहीं है ना, पापा जब आ जाएंगे, बल्कि पापा तो पता नहीं कब आएंगे, तो मैं डाल लूँगी अभी ठहर के। आ जाओ बाहर, आ जाओ, आइए इकट्ठे करें। हटो लाइबा, हटो हटो, चलो ये बिछाए मामा, ये बिछाएगी, आ जाओ। ये देखिए देखिए लाइबा, लाइबा की मस्तियाँ देखे, मेरे साथ हेल्प करवा रही है, ये लाइबा की मस्तियाँ देखे कैसे लेके जा रही है, इसको शौक चढ़ गया। मामा जो काम करती है ना, मामा के साथ काम करवाती है, तो अभी मैं मामा ऊपर चढ़ेगी, झाड़ेगी, फिर बिछाती है। चले हम पहले इसको बिछा ले, फिर दिखा। लाइबा लाइबा नहीं करो, चले हम ये बोलते। और लाइबा को देखे, लाइबा ऊपर रख के आ रही है, इसको माशाल्लाह इतना शौक है मामा के साथ काम कराने का, ये खुद ही करना शुरू हो जाती है। और कपड़े भी अपने इतने गंदे करती है सारा दिन खेल खेल के ना, अभी देखे कैसे ऊपर चढ़ी है, और ऊपर चढ़ के इसने सेट किया। अभी मैं चादर भी बिछा रही थी, तो इसको पता था मामा ने ये चादर बिछानी है, फौरन ये चादर उठा के लाई है। एक मिनट, ये मामा अभी इसका उतारेंगे ना, ये अभी नहीं हुआ, इसको सही करो ना, नीचे करो। चलो हो गया, मामा रखे, आपने रखना, चलो रखो रखो रखो, ध्यान से गिर नहीं जाना। चलिए जी, इसको शौक चढ़ा हुआ है बस आज मामा के साथ। और ये माशाल्लाह ना, जब खेलती है ना, खेलती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और साथ साथ ये नुकसान भी करती रहती है, और माशाल्लाह ये सारा दिन इसी तरह ही खेलती रहती है। जब अकेली होती है ना मेरे साथ, घर में कोई नहीं होता, हस्बैंड भी नहीं होते, कुछ कोई भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं होते, तो इसी तरह मेरे साथ खेलती रहती है, काम करवाती है, इसको खुद ही शौक हो जाता है, मामा मैं आपके साथ ये करवाऊँ। और सुबह तो इसने दूध भी जो गिराया ना, दूध भी गिराती है, और साथ साथ पता नहीं क्या क्या काम करती है। अभी ये मामा बाय लेके जाएंगी, तो चले बाय कर दो लाइबा, बाय, अल्लाह हाफिज़ बोल दो,
अल्लाह हाफिज, बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, चले अल्लाह हाफिज जी। कैसे भागी, कैसे भागी, देखे चादर लेके भाग गई है। लाओ लाओ मामा को दो, भाग गई उधर। चले जी अल्लाह हाफिज, मुझे दो, धोने वाली लाओ। देखा सारा लाइबा की बच्ची, ये क्या किया हुआ आपने, दूदू की बच्ची सारा ऊपर बिगड़ाया हुआ। देखे इसका हाल, देखे जरा कितना नुकसान करती हो लाइबा आप, हर काम आप उल्टे सीधे करती हो लाइबा। बहुत तंग करना शुरू आप हो गई हो, इतना दूध आपने गिराया और नीचे भी गिराया और खा भी रही हो। कुर्सी ले आती हो, कुर्सी पे खड़ी होकर हर चीजें यहाँ से उतारेगी लाइबा। बहुत तंग करती हो मामा को लाइबा। अब नहीं आना, देखे अब ये पकड़ लिया, इसको गिराओगी, रख दो वहां पे कुर्सी पर, फिर चढ़ गई हो फिर ऊपर। कितना ये बच्ची तंग करती है लाइबा, फिर बाज नहीं आ रही आप लाइबा, बहुत तंग करती है मेरा बेटा। अब मैं आपको, मैं लेके ना उधर कमरे में बंद कर दूं, आपको कमरे में बंद कर दूं। ये पाउडर आपने गिरा दिया गंदी, आप हर काम उल्टे करती हो, पहले दूध गिराती हो फिर आप पाउडर गिराती हो और फिर खाती भी हो इसको। चलो इधर आओ, चलो बैठो इधर, गंदी बेबी, गंदी बेबी। मामा को बहुत ज्यादा तंग करती हो आप। नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं जाना, बुरी बात। नहीं लाए बात।